हाँ रुको, गिरिराज जी आए क्या कहेंगे, आज वोट के लिए आए थे? गिरिराज जी को पार्टी ने चुनाव प्रचार में लगाया है। गिरिराज जी बहुत कुछ गंभीर बातें कहते हैं और गिरिराज जी वही है जिन्होंने जो यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको वहाँ से बुरी तरह हरा के भेजा था, तो पार्टी ने उनको भी भेजा है स्वागत। यहाँ पार्टी के बहुत सारे स्टार प्रचारक हैं। मेरा डेवलपमेंट बेस्ड प्रचार है। हम लोगों ने इस क्षेत्र में पहली बार मेट्रो लाए, पहली बार नदी पे सिग्नेचर ब्रिज बनाए इतना बढ़िया, पहली बार शास्त्री पार्क का जाम हटाए, पहली बार रेलवे स्टेशन बनाए, पहली बार सेंट्रल स्कूल लाए, पहली बार एलिवेटेड रोड लाए। तो अभी हमें इसको आगे बढ़ाना है। नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक बहुत बड़ी बात कही है, हमें इस देश के प्रत्येक घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देनी है, हमें इस देश के प्रत्येक नौजवान को 20 लाख रुपए देना है, वो अपना रोजगार करे और अर्निंग करने के बाद पैसे वापस कर दे, हम उसको इंटरेस्ट ना के बराबर रख रहे हैं। हमें इस देश में अब 70 साल के बुजुर्ग को इलाज के पैसे के लिए किसी और पे आश्रित नहीं रखना है, 5 लाख का इलाज खुद देना है। और अभी तक 4 करोड़ 18 लाख को घर दिया, आगे 5 साल में 3 करोड़ और घरों को, बेघर को घर देना है, 3 करोड़ बहनों को जिनके पैसे पास में 500 हजार होंगे उनको लखपति बनाना है, ये हमारा अगला प्लान है। कांग्रेस ने ठाना है कि उसको राम मंदिर में ताला लगाना है, 370 वापस लगाना है। कांग्रेस ने कहा है कि हम हिंदुओं की संपत्ति को मुस्लिम समाज में बांटेंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देश की जनता वोट करेगी और मैं हिंदू मुसलमान सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कांग्रेस की नफरत फैलाओ, दंगा कराओ नीति से दूर रहें और इनको देश को बांटने के कोशिश के लिए सबक सीखें। मैं सीधा सीधा माइक माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी को देता हूं। दोस्तों, भारत माता की, दोनों हाथ मुट्ठी बांध के बोलिएगा जय श्री राम। अभी आप गिरिराज सिंह जी को सुन रहे थे, वो हमारे बड़े भाई हैं, उनका बड़ा कृपा, उनका बड़ा आशीर्वाद वो हमारे बीच में आए। मैं अब इसको आगे बढ़ाने के पहले आपको सिर्फ 4 इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आज का कार्यक्रम कराने के लिए। जैसा मुझे पता चला है कि अश्विनी शर्मा और राकेश भारद्वाज दो लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ती कोशिश किया। ये बाबरपुर 100 फुटे पे प्रोग्राम करना ये बहुत टेढ़ा खीर है। यहाँ पे एक तो रास्ता चलते रहता है, उतनी शांति नहीं होती, फिर भी आप लोगों ने हिम्मत किया और एक अच्छा कार्यक्रम किए हैं। अभी तक मैं जितना कार्यक्रम देखा हूँ, गिरिराज भाई भीड़ के हिसाब से मत देखिएगा, ये जगह के हिसाब से बाबरपुर 100 फुटा पे इतना भीड़ बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि गिरिराज से और स्टार रहेगा। भैया भैया भैया, अब दूसरी बात देखिए, आप लोग 25 मई को वोट देने के पहले मैं आप सबसे, देखो जो आया है उसको हमें समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आया है वो तो समझ के आया है। एक अलग बात है कि आजकल जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो सब वो बड़े साजिश करने वाले लोग हैं। तो आजकल हम ऐसा भी देखते हैं कि आपका प्रोग्राम चल रहा है, अचानक बीच में कोई बाहर से आता है और आपका पटका पहन के आएगा और अचानक पटका फेंक के चला जाएगा और उसका एक आदमी वीडियो बना रहा होगा और उसी को वायरल करते हैं। तो हमारी इस चुनाव में जिन लोगों से आपस में प्रतियोगिता हो रही है, ये लोग सब इसी आधार पे अभी तक आए हैं आगे।
आप सबको दो तीन बातें याद रहनी चाहिए। ये जो चुनाव है वो मूलतः किसके बीच में है? एक तरफ वो है जो कहते हैं भारत माता की, और दूसरे तरफ वो है जिनका एजेंडा है भारत तेरे टुकड़े हो। एक तरफ हम लोग हैं जो माँ दुर्गा को मानते हैं, और हमारे सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से वो महिषासुर को मानते हैं। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, केवल जाके गूगल पे महिषासुर और उनका नाम लिखिएगा तो आपको दिख जाएगा कि वो लोग महिषासुर दिवस मनाते हैं और उसका नेता वही है जिनको कांग्रेस ने यहां से टिकट दिया है। तीसरा इंफॉर्मेशन भी आपको याद रहे, तीसरा इंफॉर्मेशन है कि जब कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ को नक्सली लोगों ने मार दिया था तो जो हम लोग यहां चुनाव लड़ रहे कांग्रेस से वो जश्न मनाए थे। जब जब नक्सली पुलिस को मारते हैं तो वो नक्सलियों से देश को मुक्त करना चाहते हैं। चौथा इंफॉर्मेशन जानिएगा, एक्चुअली जो हम लोगों के चुनाव लड़ने में हमारे आपके सामने जो लोग हैं उनका एक और परिचय है, वो लोग जमानत पे हैं। किस केस में? देशद्रोह के केस में, उनके ऊपर देशद्रोह का केस चल रहा है और वो जमानत पे हैं। और जमानत देते हुए जज ने भी कहा है ये एंटी नेशनल लोग हैं और इनको नहीं रोका गया तो ये देश में बहुत जहर फैला सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। जो पांचवी बात है उसमें आपको कांग्रेस का और बीजेपी का मैनिफेस्टो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि चुनाव में क्या होता है कई बार असली मुद्दा छूट जाता है। बीजेपी का मैनिफेस्टो है कि हमने अभी तक जो काम किया है वो ट्रेलर है, अभी आगे हमको 3 करोड़ और लोगों को बेघर को घर देना है। 70 साल का जो भी हो गया, अब वो चाहे गरीब है या मध्यम वर्गीय है, इस देश के सभी उन लोगों को जो 70 साल के हो जाएंगे उनको 5 लाख रुपया तक के इलाज की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार उठाएगी। इसको ये भी समझ सकते हैं कि 70 साल का होकर के अब हर बुजुर्ग सुख पाएगा, अगर हुआ बीमार तो मोदी खुद इलाज करवाएगा। अगला इंफॉर्मेशन, अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट करने के बाद रोजगार चाहिए तो उसको मोदी सरकार 20 लाख रुपया मुहैया कराएगी, जिससे वो अपना रोजगार भी कर सके और वो दूसरे साथियों को भी काम दे सके। लेकिन कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो पढ़ लीजिएगा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो है कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो इस देश में लोगों के संपत्ति की जांच कराएगी, और अगर आपके, मैं इसको उदाहरण में समझाता हूं, बेसिकली उनका वादा ये है कि वो बैंक को इंश्योर करेंगे कि बैंक अपने अकाउंट, अपने बैंक में जितने अकाउंट धारी हैं, अगर किसी इसको ठीक से नहीं सुना तो एक बार फिर से सुनिएगा। कांग्रेस करती कहती है कि वी विल इंश्योर, हम ये इंश्योर करेंगे कि बैंक विल गिव इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, बैंक अपने संस्थागत जो भी पैसा रुपया गहना अकाउंट में लॉकर में है उसको दे विल डिस्ट्रीब्यूट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बिना भेदभाव के। तो कहने का मतलब अगर आपके 4 बच्चे हैं, आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए हैं,
और किसी मुसलमान भाई बहन के अकाउंट में 20,000 रुपए है और उसके 5 बच्चे हैं, तो आपके 4 उसके 5 आपके 4 लाख को 9 भाग में बांट करके उनको अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप लोग मुझे ये बात आपको इसलिए बतानी पड़ रही है, अभी तो ये सुनने की बात है, नारा तो बुलंद जाएगा, ये बहुत गंभीर बात है, थोड़ा दिल पे चोट आएगी, लेकिन इसको समझना जरूरी है, क्योंकि अभी क्या होगा, चुनाव में होता है, भाई देखो तुम हमारी जाति के हो, तुम हमारी बिरादरी के हो, तुम हमारे समाज के हो, तुम हमारे प्रांत के हो, लेकिन इसमें अगर कोई खो गया तो वो अपने बच्चों के भविष्य पर ही चोट करने वाला है। इसलिए मेरे बाबरपुर के भाई बहन, मनोज तिवारी जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को आप नोट कर ले, आप घर जाएं, अपने किसी बच्चे से जो इंटरमीडिएट किया हो, पढ़ा लिखा हो, 10th पास किया हो, उसको पूछिए कि मनोज तिवारी ने आज एक जानकारी दी है, इसकी सच्चाई क्या है। आप जब इसकी सच्चाई प्राप्त करेंगे तो आपको इसी लाइन को प्रधानमंत्री जी ने थोड़े दिन पहले कहा था कि हम कांग्रेस की नजर बहनों के मंगलसूत्र पर है, मतलब अगर आप मंगलसूत्र भी लॉकर में रखे हैं तो उसको भी कांग्रेस कहती है, हम बिना भेदभाव के उसको मुस्लिम समाज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं मुस्लिम समाज के लोगों को भी जगाना चाहता हूँ, इस देश में अगर आप अपनी दीवार से 1 फीट ज्यादा हटके दीवार लगा दीजिए तो गोलियां चल जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, FIR होते हैं, और यहाँ कांग्रेस कह रही है जाओ तुम तो उसका पैसा छीन लो, आने वाले समय में सड़कों पे क्या होगा, खून खराबे होंगे, दंगे होंगे, गृह युद्ध होगा, और ये कोशिश है आज कांग्रेस की, इसीलिए उनको प्रत्याशी भी ऐसे मिले हैं जो कहते हैं तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, वही जो अफजल, अफजल कौन था, अफजल एक आतंकवादी था जिसने संसद पे हमला करवाया और उस हमले में 13 लोग मारे गए, बाकी जवानों ने उनको न्यूट्रलाइज करके मार करके आतंकवादियों को संसद की रक्षा की और उसको देश की सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी। अब अगर देश की फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने दिया, फिर आप किसको कहना चाहते हो कि कितने अफजल मारोगे, जो इस देश के सुप्रीम कोर्ट को ही चुनौती दे रहा हो, ये केस चल रहा हो, ऐसी स्थिति में आप वो भी याद रखिएगा। और नरेंद्र मोदी जी अभी आए थे यही जमुना खादर में, कौन कौन सुनने गया था, यहाँ कोई बैठा है, आप सभी गए थे, आपने शायद सुना या नहीं सुना, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है हम आने वाले समय में इस देश के प्रत्येक घर का 300 यूनिट बिजली फ्री करके रख दूंगा, ऐसा योजना पे काम कर रहा हूँ। 300 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए आपको प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा से जोड़ना पड़ेगा, आपके घर पे सोलर पावर लगेगा, उसमें 75,000 रुपए का खर्चा आएगा, वो खर्चा भी मोदी सरकार आपको देगी। आइए हम लोग जग के आगे चलते हैं, हिंदू भी जगे, मुसलमान भी जगे, गिरिराज सिंह किसी मुसलमान के विरोधी नहीं है, गिरिराज सिंह जी के क्षेत्र में अगर 4 करोड़ इनके मंत्रालय से 4,18,00,000 बेघर को घर दिए गए तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसमें लगभग 1 करोड़ के आसपास मुसलमान भाई बहन भी हैं। तो घर देने के लिए हम भी गए थे कहीं, नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच पे खड़े थे और वही नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा है कि हम आने वाले समय में इस देश के प्रत्येक घर का 300 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए
सोलर पावर की विशाल योजना पर आगे बढ़ चुके हैं। अभी भी कई लोगों के जो सोलर पावर लगाए हैं, उनके जो 50-50 हजार के बिल आते थे, आज 5 हजार के बिल हो गए हैं। इसलिए मोदी जो कहते हैं वो कोई डाउट है क्या बहन? मोदी जो कहते हैं वो मोदी जी ने ये भी कहा है, आने वाले समय में मोदी सरकार इस देश में डीजल और पेट्रोल की जरूरत ही खत्म कर देने वाली है। आप विचार करिए, डीजल और पेट्रोल क्यों नहीं खत्म हो सकता? ये ऑटो जा रहा है, ये भी इलेक्ट्रिक आने लगा। स्कूटर जा रहा है, वो भी इलेक्ट्रिक आने लगा। ये देखो भाई मेरा इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहा, स्कूटी, बस। अभी हम लोगों ने बस दिए हैं, ये तो पुरानी वाली बस है, लेकिन हमने एक, आप बस में बैठते होंगे आजकल, एक इलेक्ट्रिक बस आई है। कभी बैठे कि नहीं बैठे? कौन कौन बैठा?